हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज हम लोग घातांक का नियम प्रयोग करके इस 6 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है 5 की पावर 7 × 5 की पावर 4 / 5 की पावर 3। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ऊपर में आधार बराबर है, 5 है और गुणा में है। तो दोस्तों घातांक के नियम अनुसार इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारा आधार बराबर रहे और गुणा में रहे तो पावर आपस में, घात हमारा आपस में जुट जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5 की पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 + 4 और बट्टा में ये 5 की पावर 3। ठीक है, तो हम इसे हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 7 / 4 = 11 और बट्टा में 5 की पावर 3। दोस्तों आप यहाँ देखिए, यहाँ 5 की पावर 11 / 5 की पावर 3। तो यहाँ भी हमारा आधार बराबर है लेकिन ये क्या है, अब भाग में है। तो दोस्तों घातांक के नियम अनुसार जब हमारा आधार बराबर रहे और भाग में रहे तो पावर, घात आपस में घट जाता है। तो हम क्या करेंगे, 11 में से 3 माइनस करेंगे पावर। तो हम लिखेंगे 5 की पावर 11 - 3। तो ये हो जाएगा 5 की पावर दोस्तों 11 में से 3 माइनस करेंगे 8। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 की पावर 8। इसे आप हल भी कर सकते हैं, आप इतना लिखेंगे फिर भी हमारा आंसर सही होगा। तो इस प्रकार हम घातांक के नियम अनुसार इसे हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है 3 की पावर 2 और इसका भी पावर 3 है, × 3 की पावर 4 / 3 की पावर 8। तो यहाँ दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले यहाँ देखिए पावर के ऊपर पावर लगा है। जब हमारा घातांक के नियम अनुसार पावर के ऊपर पावर लगा रहे तो हम क्या करेंगे, तो हम पहले पावर को आपस में गुणा करेंगे। यानी ये हो जाएगा 3 की पावर 2 और 3 को गुणा करेंगे 6, तो 3 की पावर 6 हो जाएगा और गुणा में ये 3 की पावर 4 और बट्टा में 3 की पावर 8। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोस्तों, 3 की पावर 6 × 3 की पावर 4। तो यहाँ क्या है, आधार बराबर है, 3 है और गुणा में है। तो घातांक के नियम अनुसार क्या होगा कि घात हमारा पावर आपस में जुट जाएगा। यानी ये हो जाएगा 3 की पावर 6 + 4 और बट्टा में ये 3 की पावर 8। तो अब हम लिखेंगे दोस्तों 3 की पावर क्या हो जाएगा, 6 + 4 = 10, 10 × 3 की पावर 10 और बट्टा में 3 की पावर 8। तो यहाँ भी दोस्तों क्या है, आधार बराबर है और भाग में है। तो भाग में हमारा क्या होता है दोस्तों, पावर, घात आपस में घट जाता है। तो हम 10 में से 8 माइनस करेंगे, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 10 - 8। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 की पावर 2। तो दोस्तों 3 की पावर 2 क्या होता है, 9। तो 9 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है 3 की पावर 5 × 8 की पावर 5। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हमारा आधार बराबर नहीं है लेकिन हमारा घात बराबर है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम घातांक के नियम अनुसार क्या करेंगे कि हम आधार को एक साथ गुणा कर कर लिख लेंगे और जो पावर है उस पावर को हम कॉमन कर कर इस दोनों के ऊपर लगा देंगे। तो आधार है 3 × 8, तो हम लिखेंगे 3 × 8 और इसका एक ही पावर कर देंगे दोस्तों 5। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस दोनों का पावर 5 है इसीलिए। अब दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हल करेंगे। यानी ब्रैकेट में 3 × 8 है ना, तो इसे गुणा कर लेते हैं, 3 × 8 = 24। तो ये हो जाएगा 24 और इसका पावर 5। तो 24 की पावर 5 दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3। तो यहाँ भी हमारा आधार बराबर नहीं है लेकिन हमारा घात पावर बराबर है।
तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 × 3 आधार को गुना कर कर लिख लेंगे और इसका एक ही पावर करेंगे 3। अब हम ब्रैकेट को हल करेंगे तो 2 और 3 को गुना करेंगे 6, 6 की पावर 3। तो जब हम 6 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 216। तो 216 होगा दोस्तों इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है 5/7 की पावर 3 × 3/4 की पावर 3। तो यहाँ भी हमारा आधार बराबर नहीं है लेकिन हमारा घात बराबर है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, घातांक के नियम अनुसार आधार को एक साथ गुना कर कर लिख लेंगे और एक ही पावर के अंदर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ 5/7 × 3/4 और इसका होल पावर हम 3 कर देंगे, ठीक है। अब हम ब्रैकेट को हल करेंगे तो 5 को 3 से गुना करेंगे 15 और 7 को 4 से गुना करेंगे 7 चौका 28। तो हम यहाँ लिखेंगे 28 और इसका पावर दोस्तों क्या कर देंगे, 3। तो अब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15 की पावर 3/28 की पावर 3। तो यही होगा दोस्तों इसका आंसर, 15³/28। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है 2³/3×6² × 2×8 की पावर 0। तो यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, न यहाँ किसी का आधार बराबर है न किसी का घात बराबर है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 का पावर 3 कर देंगे, 6 का पावर 2 कर देंगे और 8 का पावर 0 कर कर लिख लेंगे। तो हमारा हल हो जाएगा, तो यहाँ 2 की पावर 3 है। तो दोस्तों किसी भी संख्या के ऊपर पावर लगा है तो उसका मतलब क्या होता है कि वही संख्या उतनी बार गुना में है। यानी यहाँ 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है 3 बार गुना में है। तो एक बार गुना करेंगे 2 को 2, 2 बार करेंगे 4 और 3 बार करेंगे तो 8। यानी 2³/3 8 हो जाएगा गुने, यहाँ देखिए 6 की पावर 2। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम 6 को 2 बार गुना करेंगे। तो जब हम 6 को 6 से गुना करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, 36। तो यहाँ लिख लेते हैं 36 × यहाँ देखिए दोस्तों 8 की पावर 0। तो घातांक के नियम अनुसार दोस्तों जब भी हमारा किसी संख्या के ऊपर घात 0 लगा रहे तो उसका मान क्या होता है, 1। तो हम यहाँ लिखेंगे 1। यहाँ ध्यान दीजिए, 0 को छोड़कर किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 लगा रहे तो उसका मान हमेशा 1 होगा, ठीक है। अब हम इसे हल कर लेते हैं तो गुना कर लेते हैं। तो दोस्तों 8 को हम 36 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 288, और 288 को हम फिर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 288 ही होगा। तो यही होगा दोस्तों इसका आंसर। तो इस प्रकार दोस्तों हम घातांक के नियम का प्रयोग करके इस 6 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।